जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से भी अब मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार, यूपी और दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूर नहीं चाहते कि वे 15 दिन बेवजह फैक्ट्री में रहे या फिर कमरे का किराया भुगते। बिहार और यूपी के मजदूरों का कहना है कि अब 15 दिन का लॉकडाउन हो गया है तो अब तक जो उनके पास था उससे उन्होंने अपना काम चला लिया, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक भी इन्हें पैसा नहीं देंगे, काम किए बगैर उनका खर्चा चलना मुश्किल है। ऐसे में यहाँ रहकर अब ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ा करना चाहते हैं। किसी को कमरे के किराए की टेंशन है तो किसी को बच्चों से मिलने की, सभी किसी न किसी तरह अपने घर अपनों के बीच जाना चाहते हैं। एक अजीब सा डर और खौफ लोगों के मन में घर कर गया है। हालांकि इन फैक्ट्री एरिया में लगातार स्वयंसेवी संगठनों की ओर से भोजन की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अब मजदूरों को घर जाने की फिक्र है और वह भी कैसे भी करके अपने घर जाना चाहते हैं, भले ही उसके लिए 500 से 700 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़े। वे घर अपनों के बीच जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस के चलते लगाया गया लॉकडाउन अब लोगों के लिए बड़ा साइड इफेक्ट साबित हो रहा है और इसी का नतीजा यह है कि तमाम जो लोग थे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर बंद थे, मगर जब यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें खाने का जो साधन नहीं मिल रहा, जिसके चलते सभी लोग अब यहाँ से पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया गेट से। क्यों आ रहे हैं, कैसे आ, क्यों, क्या वजह? क्या करेंगे, हम लोग को परेशानी है, खाने पीने का दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है, हम लोग क्या करेंगे, अब सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा, हम लोग पैदल चल दिए। कहाँ तक जाना है आपको? हमको बिहार तक जाना है सर। आप बताएंगे? मतलब पुलिस वाला बोला जो दुर्गापुरा तक जाओ, उसके बाद वहाँ पे बस खड़ी है, आप लोग को ले जाएगा, बिहार तक पहुँचाएगा बस। आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है? ये तो पता है जिस सर, इसी वजह से तो मतलब खाना पीना का दिक्कत से इसी वजह से बोला जो जाओ बंद था। आप बताएंगे? कोरोना तो बाद में लगेगा, लेकिन अभी तो खाना पीना की वजह से ही मर जाएंगे। मर जाएगा सर, सब भूखा ही मर जाएगा। राशन वाला राशन नहीं दे रहा, पैसा नहीं है अपने पास, सब दुकान बंद हो गया। आप बताएंगे? क्या बताएंगे, वही परेशानी है हर किसी का, जो परेशानी है, खाने पीने नहीं मिलता है भाई, यहाँ पे बैठ के क्या करें, कंपनी बंद, हर चीज बंद, पैसे नहीं है किसी के पास, कहाँ से खाएगा, चले जा रहे हैं, आप घर तो पहुँचना है कोई हालत। अब बिल्कुल, लोगों को खाने पीने की सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो इस लॉकडाउन के दौरान हुई है। इसी के चलते जो सीतापुरा एरिया पड़ता है यहाँ पर हजारों फैक्ट्री और यहाँ पर ये तभी सभी लोग थे, काफ़ी दिनों से यहाँ पर लॉकडाउन के चलते बनते, मगर जब इन्हें कुछ साधन नहीं मिल रहा तो इसके चलते लोग सड़कों पर निकले और पैदल ही यहाँ से कम 600 से 700 किलोमीटर का सफर दूर करें। कुछ लोग और भी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ। बिहार में कोई साधन नहीं है आपके पास? साधन तो अभी फिलहाल नहीं है, दुर्गापुरा से है। तो आपको किसने कहा दुर्गापुरा जाना है? पुलिस वाले। क्या बताया? बताया कि अभी निकल जाओ, आज का साधन है, बिहार यूपी वाले निकल जाओ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो बंद किया हुआ है? बंद किया हुआ तो, लेकिन बोला है इसलिए हम लोग निकल गए। आपको पता है क्या चल रहा है समय देश के अंदर? समय तो अभी बंदी चल रहा पूरा, कोरोना वायरस चल रहा है। हाँ, जानते हो कोरोना वायरस क्या? हाँ बिल्कुल, एक बीमारी है। आप बताइए। सर बिहार जाना है मुझे। सब लोग बिहार जा रहे हो? सुना सरकार चालू है अब, क्या है तो इतने दिनों से आप 5 दिनों से बंद थे, लॉकडाउन लगाया हुआ है, थोड़ा खाने में थोड़ा ये था हम लोग का, पानी में खाने में प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, क्या करेंगे, पानी नहीं मिल रहा। क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है? खाने खाना खाने का, पानी का, बहुत कुछ का साधन नहीं था, तब क्या करें। अब सुने हैं पुलिस वाला ऐलान कर रहा था कि हाँ गाड़ी दिया है सरकार तरफ, सब जा सकते हैं। आप बताएंगे कि सरकार जो खाने भी तो बांट ही रही है कि कह रही है कि खाना घर में रखिए, सेव रहिए? नहीं सर, आज आठ रोज हो गया अब तक, खाना वाना कुछ नहीं पहुंचा हम लोग के लिए, बाकी बहुत दिक्कत चला, रूम मालिक राशन उशन नहीं देता पैसे की वजह से, बाकी पानी उनी टाइम पे नहीं मिलता, कोई चीज़ का साधन नहीं हम लोग का वहाँ पे। अब आप कैसे जाएंगे सर? पुलिस वाले बोला है जी, मतलब आगे बस आया हुआ 2000-15000 तक बस आया हुआ, सब निकल जाओ यहाँ। आप बताएंगे? हाँ, वही बोला है पुलिस दुर्गापुरा में, मतलब जब बस लगा हुआ है आप जाइए वहाँ पे, पुलिस वाला बोल दिया है। बिल्कुल, हजारों की तादाद में ये लोग हैं जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, दूर तक मैं कैमरामैन को कहूंगा यहाँ से साइड में आकर के दिखाया कि किस कदर जो पब्लिक है, ये जो मजदूर वर्ग है, ये यहाँ पर आया हुआ था और इनको पता नहीं था कि लॉकडाउन इतने समय तक रहेगा, इसके चलते सभी लोग इन फैक्ट्रियों में बंद हो गए थे, उसके बाद
जब यहाँ पर इनको सही टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा, खाने का सामान नहीं मिल रहा, यहाँ पर पीने का सामान नहीं मिल रहा, इसके चलते तमाम लोग हैं सड़कों पर निकले हैं और पैदल ही अपने रास्ते जा रहे हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों को कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से कि बस लगाई गई है, बस के जरिए इनको बिहार पहुँचाया जाएगा। मगर ये कितना सही है और कितना गलत है ये देखने वाली बात होगी। मगर इतना जरूर है कोरोना का जो साइड इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस मजदूर वर्ग पर पड़ा है, जिसके चलते तमाम जो लोग हैं अब रोजगार के साथ साथ रोटी पानी के लिए भी यहाँ पर जूझते नजर आ रहे हैं। नतीजा यही है सभी लोग हैं अब पैदल ही अपने घरों की ओर कूच करने लगे हैं। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।